इसकी क्या पैसा शुरू भाई? इसके भी बहुत कम रेट है, इसके फाइनल रेट में आपको बता देता हूँ भाई। 2000 और 4.5 मांग रहे हैं भाई, ये चेक करें यार भाई, ये 2.40 मांग रहे हैं, ये चेक करें यार। तो ढाई लाख फाइनल, 2.5 लाख का 5 मन का जानवर है। क्या बात है भाई, ये मेरे हिसाब से तो 5 मन से थोड़ा सा निकलता भाई ये। ये चेक करें भाई आप, इस तरह यहाँ पर एक एक दो दो जानवर भी आपको यहाँ मिलेंगे। न्यू कराची 11D की मंडी है ये, और संडे का बाजार बड़ी मशहूर प्लेस है, और ये व्लॉग का पार्ट 2 है। दोस्त दो दादा दोनों क्या पैसे मांग रहे हैं इसके? इसके 1 लाख मांग रहे हैं भाई, और इसके इसके भी 1 लाख मांग रहे हैं। और दो आखिरी आखिरी क्या होंगे देने वाले, आखिरी आखिरी जो छोड़ने वाले पैसे वो क्या होंगे भाई? ये चेक करें आप, 1 लाख मांग रहे हैं, आखिरी इसके 90 हैं, और इस वाले की भी जो है वो आखिरी आखिरी जो है वो 90 हैं। अस्सलाम वालेकुम जी खवातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपका भाई अरसलान कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। भाई व्लॉग का पार्ट 2 है, न्यू कराची 11D की मंडी संडे कार बाजार के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और तकरीबन भाई मैं आधी मंडी जो है वो कवर कर चुका हूँ। व्लॉग का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी आप चेक करें। उसके साथ साथ भाई व्लॉग जो है वो अगर पसंद आ रहा है आपको तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ग्राउंड का जो है वो हाफ मैं कम्प्लीट कर चुका था, अब हाफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं और प्राइस वगैरह चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो क्या प्राइस चल रही है। तो यहाँ कुछ जानवर मुझे मुनासिब और बड़ा लग रहा नज़र आ रहा है, ये चेक करें। अभी सूखा जानवर दिया जा रहा, आटा वाटा कोई नहीं लगा जा रहा। दोस्त क्या पैसे मांग रहे हो इसके बछड़ी के? 3 लाख रुपये। दो दाँत है, दो दाँत है भाई, और 3 लाख रुपये भाई ये मांग रहे हैं। और ये बराबर वाली बछड़ी का ये चेक करें यार, ये 5 लाख रुपये मांग रहा है। दो दाँत है ये भी, 4 दाँत की बछड़ी है भाई, और 5 लाख रुपये मांग रहे हैं। अच्छा भाई ग्राउंड के मैं कुछ वहाँ से रेट लेता हुआ जो है वो यहाँ पहुँच चुका हूँ। इनके पास काफ़ी साफ सुथरा निज़ाम था और जानवर भी काफ़ी अच्छे खड़े हैं, तो यहाँ से जो है वो प्राइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीच में नीचे दो दाँत है ये, क्या मांग रहे हैं पैसे? 380 मांग रहे हैं भाई, ये 2 दाँत है। और ये भी 2 है, पैसे 4 लाख रुपए मांग रहे हैं भाई, 2 दाँत है। इनके पास थोड़ी सी बड़ी कलेक्शन और अच्छी कलेक्शन है, ये चेक करें आप। काफ़ी हैवी जानवर है ये, तकरीबन कोई ये 8 और 9 मन के करीब करीब का जानवर है। 2 दाँत है, पैसे भाई 2 दाँत है, और 4.5 मांग रहे हैं भाई, ये चेक करें आप। 20 है ये, 20 VIP। बाकी ये कि बार्गेनिंग और प्यार मोहब्बत तो हो जाएगी, ये साथ साथ इनके पास छोटा जानवर भी खड़ा हुआ है, बट ये कि बड़े जानवर की इनके पास जो है ना वो रेंज काफ़ी अच्छी लगी हुई है। तो ये भी 2 दाँत है, 2.5 दाँत है ना ये भाई। ये भाई 2.5 दाँत की रेंज लगी हुई है इनके पास। इसके पैसे क्या है? 3.20 मांग रहे हैं भाई इसके। और इसके छोटे वाले के भाई 1.90 मांग रहे हैं ये। और इसके इसके 3.80 मांग रहे हैं भाई ये। और इसके 2.40 भाई, ये 2.40 मांग रहे हैं, ये चेक करें यार। और ये वाइट वाली की बछड़ी क्या, ये भी बिका हुआ है, तो कितने कितने के बेचे हैं? अच्छा भाई जिनके हैं ये उन्हीं ने मना करा, कितने के बेचे? बहरहाल ये सारे जो है वो सोल्ड आउट है। मोबाइल नंबर कौन बताएगा अपना? भाई मोबाइल नंबर पूछ लेते हैं, ताकि अगर कोई जानवर आपको इसमें से पसंद आ रहा हो तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और आ भी सकते हैं। 0315-2914-208 इमरान भाई, इमरान भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये यहाँ खुद भी मौजूद है, ये बैठे हैं यहाँ सामने। तो आपको कोई भी जानवर इसमें से पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो बिल्कुल इमरान भाई के पास आएँ और चेक करें। ये भी सारा अपने, ये भी भाई बिका हुआ, अच्छा खासा जानवर इनका जो है वो बिक चुका है। अच्छा भाई स्टार्ट के बाद जो है वो यहाँ पर भी कुछ जानवर खड़े हुए, जो मुझे कुछ जानवर जो है ना मुनासिब लॉट के अंदर नज़र आ रहे हैं कि रेंज अच्छी है, तो उसके प्राइस चेक कर। 2 दाँत है ये, अस्सलाम वालेकुम भाई। 2 दाँत है जी अरसलान भाई, ये 2 दाँत का बच्चा आया हमारा। और क्या पैसे मांग रहे हैं? इसके बहुत मुनासिब रेट हैं हमारे पास, दूसरी जगह तो बहुत महंगे चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पट्टी 355। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ। सही अशरफ भाई है भैया, इंशाल्लाह ताला हमारे पास सस्ते जानवर हैं, इसके रेट भी बहुत कम है, और तकरीबन 3-3.5 मन का बच्चा है, 1,70,000 का है। 1,70,000 का? 1,70,000 का है ये। मतलब ये मांग रहे हैं देने आपने? हम दे देंगे इस रेट में, वैसे तो लोग दूसरे ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम जो है कम रेट में दे देंगे, 1,70,000 में दे देंगे भाई। 1,70,000 ही कह रहे हैं अशरफ भाई कि ये 1,70,000 में दे देंगे। बच्चा काफी अच्छा है, वजनी है,
खूबसूरत भी है थोड़ा सा ये, क्योंकि काला बच्चा तो ये मिट्टी मिट्टी में है, थोड़ा सा खड़ा हुआ है क्योंकि ग्राउंड है ना ओपन तो मिट्टी काफी उड़ती है यहाँ पर। ये अशरफ भाई कितने दांत के? ये दो दांत का है, जितने भी मेरे पास जानवर खड़े हैं दो दांत के हैं, एक चार दांत का है। माशाल्लाह जानवर आप देखो पांच पांच मन का जानवर है। सही। इसके क्या पैसे अशरफ भाई? इसके भी बहुत कम रेट है, इसके फाइनल रेट में आपको बता देता हूँ 2.50। सही भाई, ये 2.5 लाख रुपए में दे रहे हैं ये अशरफ भाई, ये चेक करें हम। बहुत मुनासिब रेट मैंने आपको बताएं अशरफ भाई ये वाला, और इंशाल्लाह ताला इस रेट में कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये चार दांत का जानवर है, बाकी सारे ये दो दांत के जानवर हैं। सही भाई, ये चेक करें, ये चार दांत का जानवर है, हाइट में अच्छा है, खूबसूरती में भी अच्छा है। पैसे मालूम करते हैं अशरफ भाई, क्या पैसे मांग रहे हैं इसके? इसके वैसे मांगने को तो यार 3-3.5 मांगते हैं, लेकिन हमारी वो आदत नहीं है। मेरे पास जो है ये फाइनल 2.5 लाख का है। फाइनल 2.5 लाख? फाइनल 2.5 लाख का है, 5 मन का जानवर है। क्या बात है भाई, ये मेरे हिसाब से तो 5 मन से थोड़ा सा निकलता भाई है, बट अशरफ भाई कह रहे हैं यार ये 5 मन का जानवर है, जो इनका अंदाजा बिल्कुल सही है, और 2.5 लाख रुपए फाइनल बताया अशरफ भाई ने। और अशरफ भाई ये इसके पैसे क्या मांग रहे हैं? माशाल्लाह 5 मन का है और दो दांत है, ये भी इसी में दे देंगे हम इन्हीं रेटों में। ये भी 2.5 लाख में दे देंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह 2.5 लाख में देंगे, कोई भी आए हमारा भाई और लेकर जाए पहली फुर्सत में। जानवर आप देखो कितना माशाल्लाह, कितना खूबसूरत और भरा हुआ जानवर है देखो आप भाई, भरपूर गुलाई के अंदर जानवर है ये। 2.5 लाख रुपए बोल रहे हैं अशरफ भाई। अशरफ भाई ने रेट काफी मुनासिब रखे हैं, फिर भी अगर आप आए कुछ प्यार मोहब्बत अगर हो सकेगी तो ये कर देंगे। और अशरफ भाई ये वाला भी आपका? ये भी मेरा जानवर है, ये भी दो दांत का है, और ये अब मांगने को तो आदमी बहुत कुछ मांगता है, लेकिन इसके भी रेट हमने कम रखे हैं। ये 1.70 फाइनल है हमारी तरफ से। 1.70 फाइनल है भाई, ये चेक करें आप, 170 जानवर इनके पास बड़े हैं सारे, और 1.70 का ये फाइनल बता रहे हैं अशरफ भाई। जानवर खूबसूरत है, बेहतरीन हो गया भाई। अशरफ भाई मोबाइल नंबर बताएं अपना। हाँ मेरा मोबाइल नंबर लिख रहे हैं 0314-2-37-97-37। सही भाई, ठीक हो गया। किसी को भी अशरफ भाई के जानवर पसंद आ रहे हैं तो वो अशरफ भाई से भी रब्ता कर सकता है। ये बस ग्राउंड के मिट के अंदर ही इनका जो है वो टेंट लगा हुआ है, ये चेक करें भाई। अच्छा मैं वहाँ से सर्वे करते हैं, वहाँ थोड़े से VIP टेंट लगे हुए हैं, थोड़े से जो है ना वो रेट ज़्यादा हैं, थोड़े से नखरे ज़्यादा हैं, तो बहरहाल वो सब करते हुए मैं यहाँ आई हूँ। ये मुझे एक बड़ा हैवी जानवर नज़र आया तो मैंने सोचा यार भाई से नहीं पूछूं। दोस्त कितने दांत का ये? ये चार दांत का। चार दांत का ये? हाँ। और क्या पैसे मांग रहे हो उसके? इसके 6.5 लाख। 6.5 लाख मांग रहे हैं भाई, चार दांत का जानवर है ये, बच्चा नहीं बोलूँगा जानवर, मैं उसको इसलिए बोलूँगा कि VIP गोल हुआ भाई, एकदम खूबसूरत भाई, फुल ब्लैक। ये चेक करें आप, हैवी। और दो इसके देने देने वाले क्या होंगे? यही है देने वाले, यही है बछड़ा भी आप देख रहे हो। सही, इसलिए ज्यादा थोड़ी बताए। और ये वाला, ये भी दो दांत है? ये दो दांत में, इसका 1.40। इसका 1.40। और वो वाला जो है 1.30। 1.30? हाँ 3 लाख रुपए। अच्छा इसका, इसका भाई जो है वो 1.40 है। अच्छा इसका 1.40 फाइनल है? हाँ। ये चेक कर रहे भाई, इसका जो है वो 1.40 फाइनल है, और अच्छा खूबसूरत जानवर है ये। ये जो है इसके 3 लाख रुपए बोल रहे हैं भाई, और ये गहना है और छोटा है मगर बहुत ज़्यादा, ये चेक कर रहे हैं हम, गोल है बट ये हाइट ज़्यादा नहीं। ये भी दो दांत है? हाँ ये भी दो दांत है भाई। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग हो नहीं सकी है, बट चूंकि यहाँ पर कलेक्शन बहुत अच्छी थी बछड़ियों की, तो मैंने सोचा कि उन्हें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये जो बछड़ियाँ सामने खड़ी हुई हैं, इसमें तकरीबन जो है वो गुलाबी और प्लस गुलाबी प्लस नखरी के क्रॉस में हैं ये, और प्राइस रेंज इसकी थोड़ी सी हाई थी, यहाँ पर तकरीबन 4.5-5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये, इस तरीके की डिमांड में ये बछड़ियाँ खड़ी हुई थी। प्राइस ये के थोड़े से हाई हैं आगे, बट ये के खूबसूरती जो बछड़ियों की गुलाई है, जो नस्ल है, बकौल जो इनके ऑनर हैं उन्होंने दूध वगैरह पिलाया, और जो फार्म वाली नस्ल होती है, जो कैटल फार्म वगैरह की चीज़ें होती हैं, उस लेवल का जानवर जो है ये तैयार हुआ हुआ था। और ये जानवर अभी पार्टी ने खुलवाया भी है, जानवर बहुत खूबसूरत था, मतलब पूरी मंडी में अगर अच्छी और खूबसूरत, और आप कह सकते हैं कि VVIP कलेक्शन अगर कहीं लगी हुई थी तो यहाँ पर थी। पूरी मंडी कवर करते हुए मैं इस तरफ आ चुका हूँ यहाँ पर, और ये मंडी का समझ लें अब ये एक एंड है, जहाँ पर मंडी एंड हो रही, तो यहाँ पर ये इनका टेंट लगा हुआ, जानवर इनके पास काफ़ी खूबसूरत खड़े हुए हैं।
कुछ कलेक्शन इनके पास यहाँ भी खड़ी हुई है, और ये वाली बछड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट मैंने इसके जब रेट पूछे तो इनके जो ऑनर हैं उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए इसकी डिमांड है। बस ये मंडी का कॉर्नर आ चुका है, और यहाँ पर भी जो कलेक्शन थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिसमें थे 4 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इस कैटेगरी के जो है ये जानवर खड़े हुए थे। और इनके पास अंदर भी टेंट के अंदर जो जानवर हैं वो भी काफ़ी अच्छे और बड़े हैं। ये जो अंदर इनके पास कलेक्शन खड़ी हुई है, ये सारी कलेक्शन जो है इसमें 1.5 लाख, 1 लाख 60 रुपये से स्टार्ट है, और 2.5 लाख रुपये तक के इसमें अंदर जानवर खड़े हुए जो कि अच्छे और खूबसूरत हैं। बाकी बार्गेनिंग वगैरह हर जगह वैसे ही होती है जैसे और जगहों पर भी होती है, थोड़ा सा चांद दिखने के बाद जो है वो रेट वगैरह ऊपर गए हैं। पब्लिक ओपिनियन भी जो है वो ज़रूरी है। भाई जो आए हुए थे अपनी छोटी बेटी के साथ आए हुए थे, और मैंने व्लॉग के पार्ट 1 में ये कहा था कि भाई ये वो मंडी है जहाँ पर आप बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, खवातीन आराम से आ सकती हैं, तो ये आए हुए थे। बट इनका कहना ये था कि प्राइस थोड़े से ऊपर गए हैं, जैसे मैंने व्लॉग में पार्ट 1 में ही बताया था कि व्यापारी ने खुद बोला कि भाई चांद दिखने के बाद थोड़े से प्राइस जो है, थोड़े से रेट जो है वो ऊपर हो चुके हैं। तो ये भी भाई इसी चीज़ का शिकवा कर रहे थे कि यार पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं इस वक्त यहाँ पर। हमने तो सुना था कि यार मंडी थोड़ी सी सस्ती है यहाँ पर, बट ये कि कुछ जगहों पर मुझे अच्छे रेट भी मिले और बार्गेनिंग भी हुई। अगर आपने व्लॉग का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लाजमी व्लॉग का पार्ट 1 चेक करें। और ये भाई के साथ जो है वो देखें कि छोटी बच्ची भी आई हुई है और जो कि काफ़ी इंजॉय कर रही थी। कलेक्शन जो है वो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खड़ी हुई है व्लॉग के एंड के अंदर। ये एक अलग जो है वो टेंट है जिनका ये माल है, ये पानी पिलाने आए हुए थे यहाँ पर, तो मैंने मुझे पसंद आया जानवर काफ़ी। 2 दांत में जानवर रही है, और इनके पास और भी आगे जानवर खड़े हैं वो भी 2 दांत के। इनके जो बाकी जानवर हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत थे। ओवरऑल जो है वो पूरी मंडी के अंदर मुझे काफ़ी खूबसूरत जानवर नज़र आए। कट्टू माल बहुत कम था, ना होने के बराबर था। बाकी जो है वो मैं और भी मंडियाँ मैंने विजिट करी जैसे नूरानी मंडी वगैरह हो गई, अगर आपने उसके व्लॉग नहीं देखे तो लाजमी देखें। वहाँ पर कम रेंज की चीज़ तो आपको मिल जाएगी, बट ये प्राइस के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, उसके साथ साथ थोड़ा क्वालिटी में भी वहाँ फ़र्क है, थोड़ा जानवर की रंग नस्ल इस चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी जो है वो कलेक्शन इन लोगों ने खड़ी करी हुई है। खैर आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो भाई चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो भाई कल मिलेंगे फिर। छोटे बच्चे यहाँ पर जो है वो दुम्बे, बकरे और कुछ गाय भी बेचने आते हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरीके के भी जो है वो सौदे मिल जाएंगे। आप ये नहीं समझिएगा कि भाई ये टहलाने आए हैं, ये बेचने ही आते हैं। और इस दुम्बे के ये शायद 80,000 रुपये मांग रहे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बहरहाल ये जो जानवर खड़े हैं छोटे 2, इसके ये फाइनल मांग रहे हैं 50,000 रुपये, और साथ में ये जो बड़ा खड़ा हुआ है इसके ये मांग रहे हैं 70,000 रुपये। ये इनके फाइनल रेट हैं, इसके 70 हैं, उसके 50 हैं। जानवर की सेहत देख के तो खैर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, बट मैंने जब बच्चे को बोला भाई दांत चेक करो तो दांत इसके पूरे 2 थे। मैंने दांत चेक कर लिए और ये बस समझ लें आपके कोई इसमें वज़न होगा, 25-30 किलो से ज़्यादा का वज़न नहीं था, दोनों के अंदर इतना ही वज़न था। और किसी के अगर रेंज कम है तो 50,000 रुपये के अंदर भी भाई आपको देखें 11D के अंदर जानवर मिल जाएगा। और बस ये कि थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ आ गए जिसकी वजह से प्रॉपर आपको ऑडियो नहीं मिल सकी, बट मैंने कोशिश ये करी कि मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब ना करूं और आप लोगों तक प्राइस पहुंचाऊं अच्छी सेक्टर 11D के। बहरहाल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज रात काउ मंडी मेन नॉर्दर्न बाईपास परचेजिंग का प्रोग्राम है। 2 जानवर ख़रीदने, तकरीबन उसमें से जो है वो 2-2.5 लाख इस तरीके की बजट के जानवर होंगे दोनों। उसका पूरा व्लॉग इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगा, और इस तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हैं, क्योंकि काउ मंडी का सीज़न तो इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भाई आप लोगों को भरपूर जो है वो फूड व्लॉग्स मिलेंगे, कुछ मार्केट सर्वेज मिलेंगे आपको कि मार्केट में कुछ चीज़ों के प्राइजेस क्या चल रहे हैं, कुछ मार्केट में हम विजिट्स करेंगे, तो इंशाल्लाह आगे बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।